सो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आज में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस फ्राइडे के लिए किस तरह से होगा वो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 170 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग है प्रीवियस डे से। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारा 42,797 या 800 की जो लेवल है, वहाँ से लेके 42,737 की जो लेवल है वहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सी लेवल पे है? तो हमारा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 43,048 से लेके 42,990 की जो लेवल है वहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये लेवल्स पे हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे समझो मार्केट 43,000 के लेवल के आसपास कहीं पे खुलता है, तो ये रेंज में अगर खुला और यहाँ पे बेरिश कैंडल दिया मार्केट ने, तो हम लोग वो बेरिश कैंडल ट्रेड करेंगे। बेरिश कैंडल का जो हाई होगा वो एज ए एस एल पकड़ के हम लोग चलेंगे, और जो टारगेट हम लोग लेंगे वो होगा 42,800 की जो लेवल है वहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और वो लेवल भी अगर ब्रेक करता है मार्केट, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो लेवल अगर ब्रेक करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कौन सी लेवल का आप ले सकते हो? तो 42,583 की जो लेवल है वहाँ तक का आप नेक्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो। ओके, समझो अभी मार्केट साइडवेज खुलता है, तो ये 43,000 की जो लेवल है उसके आसपास ही खुला मार्केट, और यहाँ पे मार्केट अपसाइड में हम लोग ट्रेड कब लेंगे? तो यहाँ पे मार्केट को रेंज बनाने देंगे, मार्केट को यहाँ पे 10-15-20 मिनट रुका मार्केट। ओके, तो 15 मिनट की एक कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ पे ब्रेकआउट आया अपसाइड में, तो हम लोग जो टारगेट लेंगे अपसाइड में वो कौन सी लेवल का हमारा टारगेट होगा? तो 43,187 की जो लेवल है वो आप तक का हम लोग एक फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे। वो लेवल भी अगर मार्केट तोड़ता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो कौन सी लेवल का होगा? तो 43,300 की जो लेवल है वहाँ तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ओके, अभी मार्केट समझो डाउन साइड में ओपन होता है थोड़ा सा, तो 42,800 की जो लेवल है वहाँ पे खुलता है मार्केट। तो ये रेंज में अगर मार्केट खुला और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिली, जैसे कि एक हैमर पैटर्न हो गया, तो हम लोग वो हैमर पैटर्न ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो कौन सी लेवल तक का हम लोग ले सकते हैं? तो 43,000 की जो रेंज है वहाँ तक का हम लोग फर्स्ट टारगेट लेंगे, और ये लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट तो 43,187 का जो लेवल है वहाँ तक का हम लोग नेक्स्ट टारगेट लेंगे। ओके, समझो अभी मार्केट ये रेंज में 43,000 से लेके 42,800 की जो लेवल है, यानी ये 200 पॉइंट का रेंज है, उसके अंदर कहीं पे भी खुलता है, तो ये रेंज में कहीं पे भी खुला तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे, मार्केट को रेंज बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे होल्ड करना है मार्केट, जितना होल्ड करेगा उतना अच्छा है, और वो उसका जब ब्रेकआउट आएगा वो टाइम पर हम लोग ट्रेड करेंगे। अपसाइड में आया तो सेम 43,187 का फर्स्ट टारगेट, 43,300 का नेक्स्ट टारगेट। ओके, यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट डाउन साइड में दिया, तो हमारा टारगेट कहाँ तक का लेंगे आप? तो 42,583 की जो लेवल है वहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ओके, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कौन सी लेवल का होगा? तो 42,439 की जो लेवल है वहाँ तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ओके, तो अभी समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 43,200 की जो लेवल है उसके आसपास मार्केट खोला, तो ये रेंज में अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल मिले तो हम लोग वो ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रीवियस सेशन में जाके देखोगे तो 43,180 की जो लेवल है वहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट मिला था हमको, तो हमारा यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल मिलती है तो ये रेंज में समझो इन्वर्टेड हैमर मिला, तो हम लोग वो हैमर ट्रेड करेंगे, और जो टारगेट होगा हमारा वो 43,000 की जो रेंज है उस वहाँ तक का हम लोग एक टारगेट लेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग अपसाइड में ट्रेड कब करेंगे? तो यहाँ पे समझो 43,200 की जो रेंज है वहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में अगर अपसाइड में जाता है तब हम लोग 43,300 की जो लेवल है वहाँ तक का हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं। ओके, अभी मार्केट समझो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन समझो 42,400 की जो लेवल है वहाँ पर मार्केट ने समझो गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो ये रेंज में कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग दिया तो हम लोग यहाँ पे बुलिश कैंडल ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर पैटर्न जैसे फॉर्म हुआ था, और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है 43,000 के लेवल तक का। ओके, तो इसीलिए हम लोग ये लेवल पे कोई भी बुलिश कैंडल मिले तो हम लोग वो बुलिश कैंडल ट्रेड करेंगे। ओके, तो अभी पुट की साइड में हम लोग पोजिशन कब बनाएंगे ये लेवल पर? तो यहाँ पर मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा पुट की साइड में अगर पोजिशन बनानी होगी, तो यहाँ पर 15-20 मिनट होल्ड करता है मार्केट और फिर नीचे के साइड में जाता है, तब हम लोग डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो हम लोग टारगेट कहाँ तक का ले सकते हैं? तो 42,313 की जो लेवल है वहाँ तक का हम लोग एक फर्स्ट टारगेट लेंगे, और जो नेक्स्ट टारगेट लेंगे वो 42,200 की जो लेवल है वहाँ तक का हम लोग एक नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं। तो ये वाली जो लेवल है वहाँ तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो अभी देखते हैं हम लोग मार्केट कौन सी लेवल पर खुलता है
और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा वो टाइम तक हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ऐसे लेवल पे है तो वहाँ से मार्केट में गिरावट भी आ सकती है। ओके, तो इसीलिए हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे। जब तक डायरेक्शन नहीं मिलता हमको तब तक हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।